नमस्कार, मैं हूं पीयूष शर्मा, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज पॉलिटिकल बाइट। अब देखिए, अरविंद केजरीवाल वर्सेस दिल्ली एलजी यानी कि विनय सक्सेना, इन दोनों के बीच में देखिए काफी तनातनी होती रहती है। कभी सीएम जो केजरीवाल है वो आरोप लगाते रहते हैं एलजी पर, दिल्ली गवर्नमेंट जो विनय सक्सेना, कभी देखिए जो विनय सक्सेना है वो आरोप लगाते रहते हैं आम आदमी पार्टी पर यानी कि केजरीवाल। अब क्या हुआ है कि आज खबर यह है कि आज सुबह डिस्कॉम जो है दिल्ली की जो बिजली विभाग है दिल्ली सरकार का, उसमें से गवर्नर ने यानी कि विनय सक्सेना ने दिल्ली के एलजी जो है उन्होंने दो आपके विधायकों को जो आपके नेता हैं उनको निकाल दिया है, बाहर कर दिया है, बाहर का रास्ता दिखा दिया है। और अब उनके जो देखिए, क्योंकि जो आम आदमी पार्टी के विधायक थे निकाला उनको इसलिए गए, वो बोल रहे थे जो एलजी की तरफ से बयान आया था कि आम आदमी पार्टी के जो विधायक है अपने रसूख का इस्तेमाल करते थे और गैर कानूनी काम उसमें करते थे, ये जवाब आया। अब इसमें आम आदमी पार्टी काफी देखिए निराशाजनक हो रही है, काफी बड़े बड़े आरोप लगा रही है, वहीं भाजपा इसका पलटवार कर रही है। भाजपा का पलटवार मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि शहजाद पूनेवाला जो कि भाजपा के प्रवक्ता है, नेता है, उनका क्या जवाब आया अरविंद केजरीवाल को, एलजी को डिफेंड उन्होंने कराया, सुनिए उनकी जुबान। आज एलजी साहब ने जो निजी व्यक्तियों को प्राइवेट डिस्कॉम के बोर्ड से हटाकर सरकारी नॉमिनीज को वहां पर लगाने का काम किया है, इसका स्वागत किया जाना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने शराब घोटाला, हवाला घोटाला, बस घोटाला, कक्षा घोटाला, दिल्ली जल बोर्ड घोटाला, दिल्ली वेमेंस कमीशन घोटाला करने के बाद दिल्ली बिजली सब्सिडी घोटाला भी किया था। कैसे दो प्राइवेट डिस्कॉम कंपनी को मोटा मुनाफा कमाया गया, भ्रष्टाचार किया गया, 11,500 करोड़ का उन्हें स्वीट आर्ट डील दिया गया जिससे कि जनता के पैसों का नुकसान हुआ, फिर उसके बाद उन्हें सरचार्ज लगाने दिया गया 18% पर केवल 12% पावर जनरेशन कंपनी जो गवर्नमेंट की है उनको दिया गया, इसमें 8,500 करोड़ का नुकसान हुआ, उनके ऑडिट को रोका गया जबकि दिल्ली सरकार के ऑर्डर इसके उलट थे। और ये इस प्रकार से किया गया कि जो सरकारी नॉमिनी होते हैं दिल्ली सरकार के इन प्राइवेट डिस्कॉम कंपनीज के बोर्ड में, उनकी जगह पर जैस्मिन शाह जैसे प्रवक्ता को, उनके सांसद के बेटे को, ऐसे लोगों को अपॉइंट किया गया ताकि इस स्कैम को किया जा सके। इस पर विस्तृत जांच शुरू हो चुकी है और इसमें जो कदम उठाया गया इसका स्वागत किया जाना चाहिए, परंतु अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी फिर से विक्टिमहुड कार्ड खेल रहे हैं। अरे, विक्टिमहुड कार्ड खेलने से कोई फायदा नहीं। आज तक सत्येंद्र जैन को बेल नहीं मिली है और वो तिहाड़ के अंदर घोटाला कर रहा है, वसूली कर रहा है, तिहाड़ के बाहर मनीष सिसोदिया कर रहे हैं। तो इस प्रकार से घोटाले वाली सरकार को जवाब देना चाहिए और विक्टिमहुड कार्ड खेलना बंद करना चाहिए। देखा कैसे आपने एलजी के आवेदन को, एलजी के देखिए जो उन्होंने करा है ये सब दोनों विधायकों को निकाल दिया है। काफी देखिए अरविंद केजरीवाल के जो विधायक है जो मनीष सिंह काफी रोज में है उन पर देखिए काफी करारा हमला बोला है शहजाद पूनेवाला ने। अब देखने वाली बात यह है कि अरविंद केजरीवाल इसको लेकर करते क्या है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तब तक आप देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज पॉलिटिकल बाइट।